हिंदुओं के सबसे बड़े धर्मगुरु माने जाने वाले शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी ब्रह्मलीन हो गए हैं। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज करोड़ों सनातन हिंदुओं की आस्था के ज्योतिपुंज थे। जगतगुरु शंकराचार्य का 99वां जन्मदिन हरियाली तीज के दिन मनाया गया। शंकराचार्य बहुत कम उम्र में ही घर को छोड़कर धर्म के रास्ते पर चल पड़े थे। के सबसे बड़े धर्मगुरु माने जाने वाले द्वारका और शारदा दो पीठों के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी रविवार को 99 साल की उम्र में ब्रह्मलीन हो गए। उन्होंने मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में आखिरी सांस ली। स्वरूपानंद सरस्वती को हिंदुओं का सबसे बड़ा धर्मगुरु माना जाता है। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज करोड़ों सनातन हिंदुओं की आस्था के ज्योति स्तंभ थे। जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी दो मठों द्वारका और ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य थे। सनातन धर्म के सबसे बड़ी क्षति मुख्य आचार्यों में हमारे पूज्य गुरुदेव दो के आचार्य थे, ज्योति द्वारका शारदीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य महाराज श्री ने जो हम पूरा जीवन धर्म के लिए लगाया, उन्होंने अपना सर्वस्व, ये तो आप भी सबको ज्ञात है कि उनका जीवन एक कांच की तरह है जिसमें आर पार दिखता है, ऐसा उन्होंने अपने जीवन की पारदर्शिता रखते हुए सारा जीवन सनातन धर्म के प्रति लगाया। और शंकराचार्य बनने तक की धार्मिक यात्रा, हिंदुओं के सबसे बड़े धर्मगुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती दो मठों द्वारका और शारदा पीठ के शंकराचार्य रहे। मठ देश की चार प्रमुख पीठों में शामिल है। नरसिंहपुर के कोटेगांव के ज्योतेश्वर धाम में निधन। ज्योतेश्वर धाम में अपने आश्रम में ली अंतिम सांस। दोपहर करीब 3:30 बजे ली अंतिम सांस। 3 सितंबर को उन्होंने अपना 99वां जन्मदिन मनाया था। राम मंदिर निर्माण के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, आजादी के आंदोलन में भी हिस्सा लिया। बहुत ही कम उम्र में छोड़ा था उन्होंने घर। महज 9 साल की उम्र में घर छोड़कर धर्म की यात्रा शुरू की। 1942 में 19 साल की उम्र में क्रांतिकारी साधु के रूप में प्रसिद्ध हुए। 1942 में देश में अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई चल रही थी। करोड़ों सनातनी हिंदुओं की आस्था के ज्योति स्तंभ रहे। सिवनी जिले में ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था। जबलपुर के पास दिघोरी गांव में हुआ था जन्म। उनके माता पिता ने उनका नाम पोथीराम उपाध्याय रखा था। घर छोड़ने के बाद उत्तर प्रदेश के काशी में पहुंचे थे। ब्रह्मलीन श्री स्वामी करपात्री महाराज वेद वेदांग से शिक्षा ली, विधिवत शास्त्रों की शिक्षा ली थी। स्वामी स्वरूपानंद 1950 में दंडी सन्यासी बनाए गए। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती नाम से जाने जाने लगे। 1981 में शंकराचार्य की उपाधि मिली। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का जन्म मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में जबलपुर के पास दिघोरी गांव में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके माता पिता ने इनका नाम पोथीराम उपाध्याय रखा था। महज 9 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़कर धर्म की यात्रा शुरू कर दी थी। इस दौरान वो उत्तर प्रदेश के काशी भी पहुंचे और यहां उन्होंने ब्रह्मलीन श्री स्वामी करपात्री महाराज वेद वेदांग शास्त्रों की शिक्षा ली। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 1942 के इस दौर में वो महज 19 साल की उम्र में क्रांतिकारी साधु के रूप में प्रसिद्ध हुए थे, क्योंकि इस समय देश में अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई चल रही थी। आपको ये भी बताते चलें कि जगत गुरु शंकराचार्य का 99वां जन्मदिन हरियाली तीज के दिन मनाया गया था। इस बार आश्रम में जगत गुरु शंकराचार्य का भव्य जन्मोत्सव मनाया गया था। स्वामी जी ने अपना घर छोड़ने के बाद भारत के प्रत्येक प्रसिद्ध तीर्थों, स्थानों और संतों के दर्शन करते हुए काशी पहुंचे। कम लोग ही जानते हैं कि स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को आजादी की लड़ाई में वाराणसी में 9 और मध्य प्रदेश की जेल में 6 महीने की सजा भी काटनी पड़ी थी। इस दौरान वो करपात्री महाराज के राजनीतिक दल राम राज्य परिषद के अध्यक्ष भी थे। स्वामी स्वरूपानंद ने 1950 में वो दंडी सन्यासी बनाए गए और 1981 में शंकराचार्य की उपाधि मिली। 1950 में ज्योतिष पीठ के ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती से दंड सन्यास की दीक्षा ली और स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती नाम से जाने जाने लगे। उसके बाद अभी 3 माह पहले गुरुजी यहाँ पर जबलपुर आए थे, जब वहाँ बेंगलोर से लौटे हुए थे, तो उस समय यहाँ पर आगमन हुआ, यहाँ से सीधे ज्योतिश्वर के लिए रवाना हो गए।
उस दिन वहाँ गुरु जी का चिकित्स चल रही थी और अभी स्वास्थ्य ठीक था, ऐसा कुछ नहीं था कि, लेकिन अचानक ऐसा समाचार हमको प्राप्त हुआ था। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के ब्रह्मलीन होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व सीएम कमलनाथ, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत सभी आम और खास ने श्रद्धांजलि दी। टीम न्यूज़ स्टेट।